हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ इज श्वेता झा और मैं आज आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रेन। शायद आप लोगों को पता होगा इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी जून में नहीं मार्च में। इवन कंपेरिजन टू नॉट नेक्स्ट ईयर 122 सालों में इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, मार्च में ही रिकॉर्ड तोड़ा था। ये होल हुआ था क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अगर यूनिसेफ का देखा जाए तो उनके हिसाब यूनिसेफ के हिसाब से 1 लाख बच्चे एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे है, स्पेशली साउथ इंडिया एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे जगह एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बच्चे सब में एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहे हैं, तो बीमारी जो दिखाई दे रहा है ज्यादा से ज्यादा एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा, डस्ट एलर्जी, लंग्स डिजीज एक्सेट्रा और भी डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारीज जो कि दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। और मुझे तब यही लग रहा है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को यही विरासत में दे रहे हैं। तो प्लीज इस चीज पे आप लोग गौर करें, क्लाइमेट को दैट मीन्स एयर पॉल्यूशन पे भी थोड़ा गौर करें, कैसे एयर पॉल्यूशन फ्री हुआ जाए उसका कोशिश करें। इवन फोरम के मुताबिक अगर हम लोग मानेंगे तो 7 गुना ज्यादा बच्चे अभी सूखा पैदा हो रहे हैं कंपेरिजन तो पहले, और 3 गुना ज्यादा बाढ़ हो रहा है। इवन खेती में भी फेलिटीज 3 गुना बढ़ गया है। समझ पा रहे हैं हम लोग कौन से जगह पे जाने वाले इन फ्यूचर। तो इसीलिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एयर पॉल्यूशन पे थोड़ा सा गौर करिएगा। इवन एक रिसर्च के मुताबिक आपको सुन के शॉक भी लगेगा, बहुत बुरा भी लगेगा कि हर साल 1 लाख बच्चे डेथ होते एयर पॉल्यूशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हर साल 5-7 लाख बच्चे डेथ होते, वो भी 5 साल के कम उम्र के बच्चे। तो इस चीज में मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी, कुछ दिनों पहले दिवाली आया था दिल्ली में, मेरे ही रिलेटिव में एक बच्चे को एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे पटाखा फूटने की वजह से इतना एयर पॉल्यूशन हुआ कि बच्चे को निमोनिया जैसे हो गया और बच्चे अभी भी हॉस्पिटलाइज है। हमें लगता है कि हमारे घर में इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो शायद आज नहीं कर रहा है लेकिन कल जरूर करेगा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ टॉपिक के बीच बीच में कि एयर पॉल्यूशन पे प्लीज गौर करें। शायद आपको पता नहीं होगा कि यूरोप में अधिकतर ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ठंडा के वजह से हर साल 1 लाख बच्चे डेथ होते हैं। अफ्रीका में एबनॉर्मल गर्मी की वजह से 1 लाख बच्चे जो है डेथ होते हैं। और अगर बात किया जाए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी ने, तो जो इसके लिए फंडिंग होने वाला था क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो इसके लिए, तो उन्होंने क्या किया, इसको मिथिकल नॉन एक्सटेंट बोल के उन्होंने फंडिंग को रोक दिया। क्या आपको लगता है ये फंडिंग को रोकना उनका सही डिसीजन था? और क्या आपको ये लगता है कि एयर पॉल्यूशन पे काम करना सिर्फ गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है? क्या हमें नहीं काम करना चाहिए? और अगर हम काम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, तो हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो जो अगर मैं मुझे कुछ मालूम नहीं होगा तो मैं भी उस पर काम करूंगी। होप माई वीडियो इज यूजफुल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।